people with perfect teeth and perfect smile. ये बहुत ही narcissistic होगा अगर मैं ये बोलूँ कि मैं इनसे jealous feel नहीं करता. Because yeah, I am kinda insecure about my teeth. Because I have ऊंचे दांत. What do you say? Imperfect teeth? Okay, I googled it. It's called malocclusions. Too complicated name for such a common thing. In fact, अभी जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनमें से एटलीस्ट 50% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होगा, या फिर वो किसी ना किसी को जानते होंगे जिनके साथ ये हो रखा होगा. Now, my problem is, मेरे दांत है थोड़े से ऊंचे, okay? But वो दिखते नहीं है until and unless I smile, और जब मैं हंसता हूँ. So it always has been a compromised smile for me, like अगर मुझे कोई आके एक तो जोक बोलता है, ये देखिए टिकटॉकर ने अपने बायो में एक्टर लिखा हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक आई एम लाइक मोर ओवर, मेरे सारे पिक्चर्स में मैं कहीं पे भी स्माइल नहीं कर रहा. आई हैव अ एक्सप्रेशन लाइक मैं अभी तो किसी का खून करने वाला हूं, एंड मैं बचपन से ही ऐसा हूं, राइट? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बचपन में ये काफी क्यूट लगता था, बट धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तो आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ टॉन्ट्स फ्रॉम माई फ्रेंड्स, सीनियर्स एंड इवन रिलेटिव्स. वो गंगाधर बुलाते थे मुझे फ्रॉम शक्तिमान, इफ यू रिमेम्बर. और वो उनकी गलती भी नहीं है, बिकॉज वी रिपीटेडली सी इन मूवीज एंड सीरियल्स कि ऐसे ऊंचे दांत वाले कैरेक्टर्स कोई तो कॉमेडी एक्ट कर रहा होगा या तो बहुत ही डम होगा. इवन शक्तिमान में गंगाधर इज क्लियरली फ्रेंड जोन बाय द फीमेल लीड गीता, बट जब वो शक्तिमान बन जाता है तो सडनली शी इज इंटरेस्टेड. गोल्ड डिगर. ऑब्वियसली अब जिनके दांत ऊंचे होते हैं उनके पास दो ही रास्ता होता है. फर्स्ट की यार मैं ब्रेसेस वगैरह लगा लेता हूं, मेरे को परफेक्शन चाहिए अपने दांतों में. एंड सेकेंड, भाड़ में जाए जो मुझे नहीं करवाना कुछ. नाउ गेस करो मैंने कौन सा रास्ता अपनाया होगा. हाँ, ऑब्वियसली सेकेंड वाला. या थग लाइफ, नो फक्स गिवन. बट इफ यू आर लाइक मी, एट सम पॉइंट इन योर लाइफ डीप डाउन तुम्हें ऐसा तो डिसअपॉइंटमेंट लगा होगा कि मेरे साथ ही क्यों, मुझे भी शायद ब्रेसेस लगवा लेना चाहिए. एज इन मेरे स्कूल में मैंने जरूरत से ज्यादा लोगों को देखा था जो ब्रेसेस पहन के घूमते थे. अबे तेरे तो दांत ऊंचे है भी नहीं, तूने क्यों ब्रेसेस पहने हैं? इट्स ट्रेंड ब्रो. क्या? I have reasons मैंने क्यों braces नहीं लगाया, okay? First of all, the cost. यहाँ पे सिर्फ braces का ही नहीं, उसका before treatment, after treatment के लिए भी pay करना पड़ता है. और ऐसे कुछ dentists and dental clinics होते हैं जो इस insecurity का बुरी तरह फायदा उठाते हैं और एक लंबा चौड़ा bill बना देते हैं. And back then, coming from a middle class family, it was a lot of money. Like, it was not way too much money, but it was a lot of money. I hope you understand. Even though मेरे मम्मी पापा ने कई बार मुझे insist किया कि तुझे अगर दिक्कत हो रहा है तो तू लगवा ले braces, but I was never comfortable with it. As a kid, dentists थोड़ा horror वाली feeling देते थे. मुंह से दांत वांत निकाल लेंगे, क्या कर देंगे पता नहीं. Oh my God. धीरे धीरे ये डर एक जिद में कन्वर्ट हो गया कि मेरे को तो नहीं करवाना चाहे कुछ भी हो जाए. अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे इस बोल्ड डिसीजन के लिए मुझे अनगिनत लोगों ने जज किया. थ्रू आउट स्कूल कुछ सो कॉल्ड कूल बॉयज एंड गर्ल्स ने मीन कमेंट्स पास किए, विच वॉज वन ऑफ द रीजन आई वॉज नेवर एबल टू मेक फ्रेंड्स. You have a weird, you are introverted, why do you even exist, bro? If you think बस ऐसे किसी को चिढ़ाना उड़ाना बुरी बात है, then इससे बदतर चीजें होती है हमारे अराउंड. Like I know a girl, I know her personally. उसने फ्लाइट अटेंडेंट, वो होता है ना एयर होस्टेस, उसका इंटरव्यू दिया था एंड शी गॉट रिजेक्टेड जस्ट बिकॉज
She had gaps between her teeth. It should not be a criteria in the first place. So according to this, अगर तुम्हारा भी condition कुछ ज़्यादा ही severe है या आगे जाके तुमको actor model बनने का शौक है तो I think तब तो तुमको braces वगैरह करवा ही लेना चाहिए. Yeah, it has become mandatory now to treat such a natural condition. The worst part, as a grown-up now, जब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है तो सबसे बड़ा झटका लगता है तुम्हारे confidence पर. Either you are going on an interview or on a date. फिर सेलिब्रिटीज और मॉडल्स को देख करके ऐसा लगता है कि काश मैं इसके जैसा परफेक्ट दिखता, जो कभी नहीं हो सकता. आई एम सॉरी, सैड, बट आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू. लुक्स डजंट मैटर. आई नो ये सेम पकाओ स्टेटमेंट ऑलमोस्ट हर यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर बोलता है, स्पेशली ही टिकटॉकर्स. टुडे आई एम गोना टेल यू दैट लुक्स डजंट मैटर. वो अलग बात है कि मैं खुद दिन में 40 बार मेकअप करता हूं. स्टिल नॉट कन्विंस्ड दैट लुक्स डजंट मैटर. वेल, मैं इन टिकटॉकर्स के बराबर का तो नहीं हूं, बट इस बेसिस पे तुम लोग मेरा एग्जांपल ले सकते हो. रिसेंटली वी क्रॉस्ड 2 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन अवर चैनल एंड तुम लोगों में से किसी को घंटा नहीं पता मैं कैसा दिखता हूं. It's really nice to see इतने सारे लोग मेरी बकवास सुनने को आते हैं without even caring how I look. हो रहा है, धीरे धीरे बातों बातों में face reveal हो रहा है. कल को अब कोई pro artist, वो जैसे CID में दिखाते थे ना, ऐसे सिर्फ बातें सुन सुन के ditto sketch बना देता है, वैसे मेरा भी बना देगा कोई ना कोई. यार ऐसे ख्याल मेरे दिमाग में पता नहीं कहां कहां से आते हैं. आई होप यू enjoyed दिस वीडियो. इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनको ऐसे दांत वाला प्रॉब्लम हो रखा हो, शायद से उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो जाए. एंड लाइक जो भी मन हो वो कर देना. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.